नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कलेक्टर बीके बैद आज शाम अचानक जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैदियों के रोकने के बैरक से लेकर उन्हें बनने वाले खाने की भी बारीकी से जांच की। इसके साथ ही उन्होंने कैदियों से मुलाकात वाले कक्ष का निरीक्षण किया, आगंतुकों के रजिस्टर को देखा, यहां तक कि कैदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। बाद में उन्होंने जेल अधीक्षक प्रियदर्शन श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि जो कैदी आर्थिक परेशानी के चलते अपनी जमानत नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे कैदियों की मदद की जाए, उसकी सूची उन्हें भेजी जाए। वहीं पैरोल के दो आवेदन के मामले में उन्होंने उसके दस्तावेज अपने पास मंगाए हैं। निरीक्षण किया है और ये निरीक्षण की एक नियमित प्रक्रिया है। विदिशा जो जेल है उसमें 203 पुरुष बंदी और 13 महिला बंदी इस समय रखे गए हैं। जेल की संपूर्ण व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से पाई गई, सुचारू रूप से संचालित पाई गई। कैदियों का भोजन, उनका स्वास्थ्य, ये सभी कुछ अच्छा पाया गया। परिसर की स्वच्छता अच्छी पाई गई। मैंने रसोई घर से लेकर के भंडार कक्ष तक सभी का निरीक्षण किया है। साथ ही मैंने जेल अधीक्षक को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि यदि कोई ऐसे बंदी है, कोई विचाराधीन है, जिनके कोई जमानतदार नहीं है, या कोई छोटे मोटे जुर्माने अगर उनके नहीं भरे जा सके हैं, या पैरोल के विचाराधीन बंदी है, तो ऐसे सभी प्रकरण जो मेरे समक्ष प्रस्तुत किए जाए ताकि उनका शासन के मंशानुसार यथाशीघ्र निराकरण किया जा सके। क्या कोई मिला सर ऐसा, यदि कोई मिला जिसकी ऐसी व्यवस्था? दो पैरोल के आवेदन मुझे निवेदन किए हैं, उनको मैंने कहा है कि उन परम सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका निराकरण करेंगे। जमानत और जुर्माने से संबंधित ऐसा कोई प्रकरण मुझे नहीं मिला है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी बंदियों से बात भी की है और चर्चा के उपरांत उन्होंने अपनी संतोषजनक स्थितियाँ बताई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।